सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है और आज नए टॉपिक पे वीडियो शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन एडिशनल क्वेश्चन बैंक। इस पर मैंने मेरा वीडियो नहीं बनाया था, बाकी इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के मैं पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ, तो आप ध्यान से देखें और आपको जीरो लेवल से मैं इस टॉपिक के बारे में समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 5x square का x के रेस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हुए हम आपको एक बात बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का। जब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो फॉर्मूला लगेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 तो आ जाएगा स्टार्टिंग में, और ये आ जाएगा x स्क्वायर डी एक्स 5 एज इट इज x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। कॉन्स्टेंट वैल्यू या तो c ले लें या k ले लें आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x3 अपॉन 3 प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा 5x³ / 3। और हमने देखा कि ये ऑप्शन ए आपको सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर आप सी ले लीजिए या ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5x³ / 3+k ले लीजिए, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3 - 2x - x4। देखो इसका मतलब है कि हम 3 - 2x - x4 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से हम लिखेंगे, देखो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसका, उसको लिखने का सीधा सीधा तरीका है 3 बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा डी एक्स माइनस 2x dx - x4 dx। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को 3 अलग अलग क्वेश्चन में बांट लिया। देखो ये फॉर्मूला है डी एक्स का, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x आ जाएगा माइनस 2। यहाँ पर फॉर्मूला है x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x का, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस k। देन ये आ जाएगा x की पावर, यहाँ पर 1 था तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस के, जो भी पावर होती है। देखो ये तो मैंने आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा एक्स की पावर एन का, जब मैं डिफरेंशियल करता हूँ डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, पावर एक कम हो जाती है। क्या हो जाती है? एक कम। ये तो डिफरेंशियल का फॉर्मूला है, जबकि इंटीग्रेशन में सेम वैल्यू की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर एन का, तो पावर क्या हो जाती है? एक प्लस हो जाती है। तो इसलिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एक्स का पावर 1 थी 1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ पर 4 था तो 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा 3x - 2x² / 2 - x5/5+k। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3x - x² / 2 - x5/5+k। और हमने देखा कि आपका कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। हमने देखा कि इसका ऑप्शन ए इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर यह वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3x - x² - x5/5+k। ये वैल्यू जस्ट यहाँ पर मैंने लिख दी, तो ऑप्शन ए इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 4x³ + 3x² - 2x + 5, और इसका इंटीग्रेशन मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4x³ dx + 3x² dx + 2x dx + 5। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर मैंने माइनस ले लिया डी एक्स। ओके चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, ये मेथड तो आपने पिछले क्वेश्चन में देख लिया, ये डायरेक्ट रह जाएगा 4x³ है तो यह आ जाएगा x³ + 1 / 3 + 1। ओके फिर बीच में है प्लस, फिर 3, एक्स आ जाएगा 2 + 1 / 2 + 1 माइनस 2, एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 + 1 / 1 + 1 प्लस 5,
अकेला है तो इसके साथ आ जाएगा x प्लस के। अब इसको सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका 4x4 upon 4 प्लस 3x³ upon 3 माइनस 2x² upon 2 प्लस 5x+k। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा x³ + x³ - x² + 5x+k। तो इस तरह से बिल्कुल इजी वे में एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो, आराम से कर सकते हो। और हमने देखा कि इसका जो ऑप्शन है वो भी आपका कितना आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, x² - 1² तो x² - 1² एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो a - b² a² + b² - 2ab, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटी को सोल्व कर दिया है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। a - b² a² b² - 2ab तो यह जगह x² + 1 - 2x², ठीक है। x² का स्क्वायर x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 2x², ये हमने आइडेंटिटी को सोल्व कर दिया है। यह जगह x² + 1 upon 4 + 1 पावर हमेशा प्लस 1 कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1 का x हो जाएगा 2 होता तो 2x हो जाता, 3 होता तो 3x हो जाता, माइनस 2 यहाँ पर देखा है x² तो 2 + 1 upon 2 + 1 + c। तो ये आपके पास आ जाएगा x² upon 5 + x - 2x³upon 3 + c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इजीली समझ सकते हो, लगातार मैंने 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल x² को फॉलो करते हुए बता दिए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी आपका ऑप्शन ए इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लगातार एक जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर सीखने को मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, सीए फाउंडेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करते हैं, आगे ये वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू।